सकरा विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने चुनाव जीत लिया है। उन्होंने कांग्रेस के उमेश कुमार राम को हराया है। अशोक चौधरी को बिहार के दलितों में जेडीयू का बड़ा चेहरा माना जाता है। पहले वो बिहार में कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, फिर 2017 में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। महागठबंधन में रहते हुए लालू यादव को अशोक चौधरी पसंद नहीं थे। ऐसा भी कहा जाता है कि लालू यादव के इशारे पर ही सोनिया गांधी ने अशोक चौधरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया था। इसके बाद अशोक चौधरी का बागी होना लाजमी था। अशोक चौधरी की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जिन 6 लोगों को चुना, उनमें एक अशोक चौधरी भी हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।